गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम ए की मात्रा पढ़ने जा रहे हैं। ए की मात्रा वर्ण के ऊपर लगाई जाती है। ए ए वो एक सीधी लाइन होती, वर्ण के ऊपर सीधी लाइन होती है। तो ए की मात्रा लगाने से देखो, यहाँ पे क प्लस ए की मात्रा इज इक्वल टू के, मीन्स क को अगर हम ए की मात्रा लगाएंगे तो उसे कहेंगे के। वैसे ही कौन से भी अगर वर्ण को के की ए की मात्रा लगेंगी तो देखो, यहाँ पे क को ए की मात्रा के दिखाई दिया दे रहा है, श को ए की मात्रा शे, र को ए की मात्रा रे, प को ए की मात्रा पे, न को ए की मात्रा ने और ह को ए की मात्रा हे। ऐसे ही वर्णों को ए की मात्रा लगाई जाती है। जैसे यहाँ पे कुछ चित्र दिए हैं, वर्णों के साथ साथ हम के ए की मात्रा लगाकर कुछ वर्ड्स भी बनाएंगे। तो देखो, यहाँ पे ये चित्र है केले का, केला। तो केला लिखने के लिए हमें क और ल ये अक्षर चाहिए। क को ए की मात्रा, क प्लस ए की मात्रा प्लस ल प्लस आ की मात्रा, बन जाएगा केला। फिर है, ये चित्र है शेर का। शेर लिखने के लिए हमें क्ष और र ये अक्षर चाहिए और इनके साथ साथ हमें ए की मात्रा भी चाहिए। तो श प्लस ए की मात्रा प्लस र, बन गया शेर। फिर है, ये चित्र है रेल का। रेल तो आप सबको पता है। तो रेल लिखने के लिए हमें र और ल ये दोनों वर्ण चाहिए। तो र को ए की मात्रा प्लस ल, रे ल। फिर है पेड़। पेड़ लिखने के लिए हमें प और ड ये दो वर्ण चाहिए, उनके साथ साथ हमें ए की मात्रा भी चाहिए। तो प प्लस ए की मात्रा प्लस ड, पेड़। ये है गणेश जी, गणेश। गणेश लिखने के लिए हमें ग, न और श ये वर्ण चाहिए। ग प्लस न प्लस ए की मात्रा प्लस श, गणेश। फिर है महेश। महेश यानी भगवान शिव। तो महेश लिखने के लिए हमें म, ह और श ये तीन वर्ण चाहिए और इनमें हमें ए की मात्रा भी चाहिए। म प्लस ह प्लस ए की मात्रा, देखो ह को ए की मात्रा लगानी है, प्लस श, महेश। फिर ये है करेला, जो आपको बहुत पसंद होता है कि नहीं? नहीं, कड़वा होता है ना? तो देखो, करेला लिखने के लिए हमें क, र और ल ये तीन वर्ण चाहिए। क प्लस र प्लस ए की मात्रा प्लस ल प्लस आ की मात्रा, बन गया करेला। फिर है जलेबी। देखकर मुंह में पानी आया कि नहीं? तो देखो, जलेबी के लिए हमें ज, ल और ब ये तीन वर्ण चाहिए। तो ज प्लस ल प्लस ए की मात्रा, मीन्स ब ल में ए की मात्रा, प्लस ब प्लस ई की मात्रा, बन गई जलेबी। की मात्रा से आज हम केशव और केशव केतन ये पाठ पढ़ने जा रहे हैं। ये पाठ में हम ए की मात्रा पढ़ेंगे। तो देखो, सवेरा हुआ, सवेरा हुआ, केशव दशहरे का मेला देखने गया, केतन भी केशव के साथ गया था। देखो, सवेरा हुआ, सवेरा यानी सुबह हुई। केशव दशहरे, दशहरा पता है ना आपको? अभी अभी तो दशहरा आपने सेलिब्रेट किया है। तो दशहरा का मेला, मेला यानी जत्रा देखने गया। केशव दशहरे का मेला देखने गया केशव के साथ। देखो, केतन भी केशव के साथ गया था दशहरे का मेला देखने के लिए। केशव और केतन दोनों गए थे, केशव के साथ केतन भी गया था। उसने सर्कस देखा। उसने क्या देखा? सर्कस देखा। सर्कस पता है ना आपको? जहाँ पे जोकर होता है और हमें खूब हंसाता है। शेर दहाड़ रहा था। सर्कस में शेर भी होता है और वो शेर दहाड़ रहा था। हाथी मटक रहा था। हाथी क्या कर रहा था? मटक रहा था। जादूगर जादू के
खेल दिखा रहा था और वो सर्कस में एक जादूगर भी था और वो जादू के खेल दिखा रहा था। ये हो गया हमारा केशव और केतन ये पार्ट।